कोयलीबेड़ा इलाके में किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोयलीबेड़ा में किसान आम सभा का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों किसान एकजुट हुए। बता दें कि किसानों की मांग है कि बारदाना की कमी को दूर किया जाए, कोयलीबेड़ा में जिला सहकारी बैंक खोला जाए, किसानों को पट्टा देने और बिना पट्टा वालों का धान ग्राम सभा के प्रस्ताव से खरीदने, धान का एक मुश्त भुगतान की मांग, सिकसोड़ा और दुटट्टा पारा में नए उपार्जन केंद्र खोलने समेत सात मांगों को लेकर अंतागढ़ विधायक अनूप नाग के नाम ज्ञापन सौंपा गया। किसान आम सभा में बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे, वहीं किसानों में भारी नाराजगी देखी गई। बता दें कि किसानों का कहना है कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा करें। हम लोग यहाँ किसान सभा में हम आए हैं। हम लोगों की समस्या ये है कि हमारे नदी उस पर जो कोयलीबेड़ा गाँव उस पर 32 गांव आते हैं, वहाँ पे हम लोगों को एक फड़ी धान खरीद केंद्र की आवश्यकता है। हमारे यहाँ आने जाने की व्यवस्था नहीं, इस पर इस कारण से यहाँ पर कोयलीबेड़ा में हम लोग मतलब 2-3 साल हो रहा है, हम लोग मांग रखते आ रहे हैं धान खरीद इस क्या है केंद्र, तो यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था किया है किसानों और कैसा हम लोग मांग किए हैं वो धान खरीदी केंद्र 3 जगह का, डुट्टा का एक, एक सिकसोड़ का, एक उदयनपुर का हो चुका है, तो फिर से 2 टो का भी तक बजट है।